शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम करसेना में घर में सोई एक वृद्ध महिला को पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने लाठियों से पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला के परिजनों ने बताया कि हमारा परिवार ग्वालियर रहता है, हमारी पुश्तैनी जमीन और मकान करसेना ग्राम में है और हम वाल्मीकि समाज से आते हैं। हमारे गांव में मकान के पास गांव का एक दबंग परिवार रहता है जो हमारे मकान पर कब्जा कर हमें गांव से भगाना चाहते हैं। बस इसी विवाद के चलते देर रात दबंगों ने घर पर पत्थर फेंके। जब इसका विरोध हमारी माताजी ने किया तो उन पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये क्या बड़ा घटनाक्रम हुआ जी? मेरी सासू माँ गांव में रहती हैं, हम सब लोग यहाँ रहते हैं ग्वालियर में, धंधा मजूरी करते हैं। और माँ वो अंदर पहले से ही मतलब कुछ लड़ाई उसने करी थी मम्मी से मेरी से, तो उन्होंने गाली गलौज पहले हो गई थी तो शांत हो गई थी। अब जिनों में क्या हुआ, रात को वो आया तो उसने ना पत्थर फेंका, तो मम्मी ने बोला कि भैया जी समझा लो उनके पिताजी से, तो वो गाली गलौज करने लगे आके। अब वो अंदर आ गए और उन्होंने है ना छाती पे पहले हाथ डाला उनके मतलब सीने पे, तो मम्मी एकदम चिल्लाई तो उनका मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद करके नहीं फिर गांव की एकदम आई चिल्लाई तो उनकी मार चालू कर दी उसने। लठियों से मारा है, पहले एक लठिया टूट गई फिर दोबारा मारा है, अंदर मारा है उसने आंगन में और फिर ले जाके उस मम्मी को बाहर घसीटते हुए लाए चौक में मारा है। कौन कौन लोग थे? लोकिन और राजपाल है, कौन है वो दो बेटे और उसकी औरत थी, उसने हाथ पकड़े थे और मतलब उसकी सास भी थी, गाली बक रही थी, ससुर भी गाली बक रहा था और पिटवा रहे थे खड़े। लोकिन ने मारा है और कप्तान और घर में घुस के कुछ मतलब सामान सट्टा भी हमारा निकाला, पैसे ऐसे थे वो भी ले गए 10-15 हज़ार रुपये। कोई पुरानी दुश्मनी थी कहीं? कुछ नहीं थी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतने सालों से रह रही थी, कुछ नहीं था। शकुंतला, तो ये क्या क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये रोज पत्थर फेंकता भूत को दिखे ना, इसे मैंने पहचान लिया तो आ गया घर में, तो मेरी इज्जत लेने का गया है, तो मेरा बहुत दाग लिया, तो मेरे को मारा था। कृपाल नाम है, लोकंदन ने हाथ पकड़े और उसका बाप गाली बकरे आता, उसकी वो लुगाई भी आ गई थी, सो ठड़ी ठड़ी गाली बक रही थी। फिर मेरे को कचेर कर ले गए बार को, सो बार मारा पत्थर पट के दे रहे, इसको मार के नहीं है फिर रख जाएंगे। डंडा से मारा था और पत्थरों से। आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है क्या उनसे? कुछ दुश्मनी नहीं है, वो सोच रहे कि जो भग जाए मेरे लड़के, मारे आते हैं मजबूरी करते हैं ग्वालियर, तो जो भग जाए तो मेरे काज ही हो जाएगी। करसेना में एक महिला को जान से मारने की कोशिश की गई है कुछ दबंगों द्वारा, क्या कुछ मामला है सर? नहीं, ये थाना सुभाषपुरा के अंतर्गत करसेना गाँव का एक मामला है, पड़ोस में अड़ोस पड़ोस का मामला था। ये आपके पाटोर को लेकर पत्थर फेंकने का विवाद था, जिसके तहत एक हमारे वाल्मीकि समाज की एक महिला है, उसके साथ उनके पड़ोस में रहने वाले रावत परिवार ने, उसके पिताजी ने और लड़के ने उनके साथ मारपीट करी है, जिससे संभवतः उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, उसका मेडिकल कराया गया है। प्रथम तौर पर हमारे द्वारा मारपीट के और STSC एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे की विवेचना DSPJ के कर रहे हैं। सर, इसमें आरोपियों की कोई गिरफ्तारी हुई? उनके गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।